मध्य प्रदेश से हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ महिला नेताओं को बीजेपी में बड़ा पद और विधानसभा टिकट दिलवाने के लिए ऐसी डिमांड कर दी, जिसके बाद ये मामला थाने तक पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक पन्ना से बीजेपी की जिला मंत्री अमिता बागरी ने इसको लेकर थाने में FIR दर्ज करवाई है। महिला नेत्री ने ये आरोप लगाया है कि जिले में खुद को संगठन का बड़ा नेता बनाने वाला एक व्यक्ति ठगी और ब्लैकमेलिंग कर रहा है। उसने दूसरों के साथ ही नहीं बल्कि मुझे भी एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। उसके बाद उसने मुझे दिल्ली में बड़ा पद दिलवाने के लिए कहा, साथ ही विधानसभा टिकट जैसे प्रलोभन दिए। इसके बदले में उसने मुझसे कुछ डिमांड की। उसने मुझे 5 लाख रुपये और फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव डाला। इतना ही नहीं, उसने दूसरी महिलाओं को भी ऐसे ऑफर दिए हैं। महिला नेत्री ने बताया कि इस युवक ने होटल में मेरे साथ हरकत करने की भी कोशिश की, साथ ही उसने मेरे साथ बस सुलूकी और कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी भी दी। इसका जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे गालियां भी दी। हालांकि अभी पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।